हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटीफुल ब्यूटी। आज मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ वन डिप मेकअप चैलेंज। वन डिप मेकअप चैलेंज मतलब मैं कोई भी प्रोडक्ट लूंगी, उसको सिर्फ एक बार डिप करूंगी, मतलब एक ही बार उसको मैं यूज करूंगी, दोबारा से बार बार उसमें से मैं प्रोडक्ट नहीं लूंगी और एक ही बार मुझे वो प्रोडक्ट अपने फेस पे अप्लाई करना है। मैं वन डिप में ही आप लोगों के लिए एक अच्छा सा मेकअप लुक क्रिएट कर पाऊं। तो चलिए देखते हैं कैसा क्रिएट होता है मेकअप। तो वीडियो शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अभी मैंने अपने फेस पे कुछ भी अप्लाई नहीं किया है और सबसे पहले मैं टोनर अप्लाई करती हूँ। टोनर के लिए मैं गुड वाइब्स का रोज टोनर यूज कर रही हूँ। इसको सिर्फ मैं एक बार स्प्रे करूंगी, बार बार वैसे दो तीन बार तो स्प्रे करते हैं तभी पूरे फेस पे आ पाता है, तो मैं अभी इसको सिर्फ एक बार ही स्प्रे करूंगी क्योंकि ये वन टिप मेकअप चैलेंज है। इतना इतना आया गोल गोल, बस इधर तो रह गया ये। कोई नहीं, वन डिप मेकअप चैलेंज है, मेरी फिंगर से इसको पूरे फेस पे स्प्रेड कर दूंगी। चलो थोड़ा थोड़ा तो आ ही गया है। इसके बाद हमें अप्लाई करेंगे मॉइस्चराइजर या प्राइमर। मॉइस्चराइजर के लिए मैं यूज करूंगी ये गुड वाइब्स का पोमेग्रेनेट जेल। तो इसको वन डिप मतलब मैं इस तरीके से एक बार में, ये इतना आया है, थोड़ा ही सा आया, इतना यूज करूंगी मैं। तो नेक्स्ट अभी अप्लाई करूंगी मैं फाउंडेशन। फाउंडेशन के लिए मैं यूज कर रही हूँ ये मेबेलिन का फिट मी फाउंडेशन। तो मैं सिर्फ एक ही पंप यूज करूंगी, अब जितना भी आएगा मैं मेरे फेस और नेक में जैसा भी अप्लाई होगा सिर्फ मुझे एक ही पंप से अप्लाई करना है। तो इतने से काम चलाना पड़ेगा आज। मैं ट्राई कर रही हूँ कि एक अच्छा सा मेकअप लुक क्रिएट हो। नेक्स्ट अभी अप्लाई करते हैं ये कंसीलर। कंसीलर को सिर्फ ये इतना जो आया है इसमें प्रोडक्ट, बस वही मुझे यूज करना है। काफी था। तो नेक्स्ट अभी अप्लाई करना है कॉम्पैक्ट। तो मैं सोच रही हूँ इस कॉम्पैक्ट को मैं इस स्पॉन्ज की हेल्प से अप्लाई करूँ या ब्रश की हेल्प से। ब्रश की हेल्प से अप्लाई करूंगी तो बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा, एक बार इस स्पॉन्ज से ही अप्लाई करूंगी। बस इतना से ऐसे किया, जो भी इसमें प्रोडक्ट आया है बस उसको ही मैं यूज करूंगी। सबसे पहले मैं अपनी ब्रोज को फिल कर लेती हूँ। आज जो जल्दी में मैं अपनी ब्रोज को फिल करती हूँ, मैं वो वाली टेक्निक इसमें फॉलो करती हूँ क्योंकि वही काम आएगी, उसी से ही मैं अच्छे से फिल कर पाऊंगी। क्योंकि मेरी ब्रोज की हालत देखो कैसी है। मैंने तो मैं इस आई शेडो पैलेट से अपनी ब्रोज को फिल करती हूँ। तो मैं वैसे तो हमेशा मैं ब्रश से करती हूँ लेकिन आज मैं फिंगर से करूंगी। बस एक बार डिप किया, इतना सा आया बस। तो मैं जो इसका कॉर्नर है बस उसको ही मैं इस तरीके से फिल कर लेती हूँ। इधर तो ऐसे ही काम चलेगा। बस इतना सा हो पाया है। नेक्स्ट अभी करते हैं हम आई मेकअप। आई मेकअप के लिए मैं कुछ अच्छी सी ट्रिक फॉलो करती हूँ जिससे मेरा वन डिप में बढ़िया सा आई मेकअप भी हो जाए और अच्छा भी लगे। पे यूज कर रही हूँ ये वाला आई शेडो पैलेट जो अभी मैंने ब्राउज को फिल करने के लिए यूज किया था।
इसमें जो सिमरी सेड है मैं इससे कुछ क्रिएट करने की कोशिश करती हूँ। ओनली वन डिप करना है तो अभी मैं अप्लाई कर रही हूँ आईलाइनर। आईलाइनर में भी मैं कुछ जुगाड़ करूंगी जिससे मैं अच्छा सा आईलाइनर भी लगा लूं और मेरा लुक भी कंप्लीट हो जाए। तो ये है आईलाइनर, इतना आया हुआ है बट मैं इस प्रोडक्ट को थोड़ा रिमूव कर देती हूँ। मैं इसके अंदर डिप नहीं करूंगी, बस बाहर से ही रिमूव कर देती हूँ क्योंकि ज्यादा प्रोडक्ट है ये। बस बाहर से ही मैं रिमूव कर रही हूँ इसको। प्रोडक्ट सो गए, वाटर प्रूफ है ना। इधर ऐसा लगा गंदा सा, इधर तब भी थोड़ा अच्छा लग गया, है तो बुरा नहीं लग रहा है। आई मेकअप में अभी मैं अप्लाई करती हूँ ये मस्कारा। कारे को भी मैं बस इस तरीके से ओपन करके निकाल लिया है। एक ही बार में अच्छे से लग गया है ये मस्कारा, बहुत ही अच्छा है, इसीलिए मैं इसको बहुत ज्यादा अप्लाई करती हूँ। तो अभी मैं यूज कर रही हूँ ये हाइलाइटर। कितना सा आया है, ये अच्छे से नहीं हो पाया। ब्लश को यूज करना है मुझे तो मैं इसमें सिर्फ ये वाला वन स्ट्रोक यूज कर रही हूँ। पूरे प्रोडक्ट को निचोड़ निचोड़ के निकाल लूंगी। एंड लास्ट में मैं अप्लाई करूंगी लिपस्टिक, जिसके लिए मैंने लिक्विड लिपस्टिक निकाल के रखी है। तो सिर्फ इस तरीके से बस जो भी प्रोडक्ट आया है मैं उसको यूज करूंगी। इसको भी जल्दी से यूज करना वरना ये भी ड्राई हो जाएगी। गाइस ये लुक तो बहुत ही ब्यूटीफुल क्रिएट हुआ है। चैलेंज सक्सेसफुल। वीडियो अगर ये मेकअप लुक और ये चैलेंज वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय वीडियो एंड शेयर माय वीडियो। बाय।